देश भर में प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचाया जा रहा है। 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर केरल के कन्नूर से एक ट्रेन आज लखनऊ पहुंची। हमारे संवाददाता अनिल यादव की एक रिपोर्ट आप देखिए। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी एक ट्रेन केरल के कन्नूर जिले से आई है जिसमें 1200 श्रमिक उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन रुकी है और श्रमिक बाहर जा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें खड़ी हैं। उन बसों के माध्यम से इन सभी प्रवासी मजदूरों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा। कब चली थी ये ट्रेन? 5:48 में। कल शाम को? हाँ, परसों। चली थी? 5:48 परसों। वो भी कहाँ जाना, आपका घर कहाँ है? महाराजगंज। कितने का बड़ा टिकट ये? 930 का। 930 रुपए का? तो वहीं पे टिकट के पैसे ले लिए गए? हाँ, वहीं पे। क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास टिकट के पैसे नहीं थे तो वो नहीं चढ़ पाए? नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोग पहले पैसा इकट्ठा किए, उसके बाद लेके आए इधर में, बैठाए बस से, टिकट कटिंग करके दिए, उसके बाद बोले कि तुम लोग जाओ। कितनी लंबी कतार है? ये ट्रेन जो है केरल के कन्नूर जिले से आ रही है और बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश के हैं काम करते, बहुत दिन से वहाँ पर फंसे हुए थे, सरकार से लगातार गुहार कर रहे थे कि उन्हें भेजा जाए वापस उनके होम डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, यहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और ये प्रक्रिया इसलिए कि कोई COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति अगर हो तो उसको यहाँ पर पहचाना जा सके और फिर उसको आइसोलेट किया जा सके और उसका उपचार किया जाए जिससे कि वो ये बीमारी अपने गांव या घर तक लेकर ना जाने पाए। और इसके साथ ही यहाँ पर इनके खाने का भी इंतजाम है। यहाँ पर इनको फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। फूड पैकेट लेने के बाद सामने बसें खड़ी हैं, ये इन बसों में बैठकर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना होंगे जहां पर इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो इनके नाम पते भी नोट किए जा रहे हैं, टेलीफोन नंबर भी नोट किए जा रहे हैं। ये लंबा एक प्रोसीजर है जिसका पालन किया जा रहा है। वीडियो लिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।